Hi guys, welcome back. This is Preeti from My Hot Chocolate and hope you guys are doing really well. So in today's video, I just want to talk about how you can choose a correct foundation for yourself. अपने स्किन टोन के हिसाब से आप एक करेक्ट फाउंडेशन कैसे चूज कर सकते हैं. इट्स वेरी ईजी, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. आई थिंक दिस टॉपिक हैज़ बीन द मोस्ट कॉमन टॉपिक जो मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया है, मतलब वीडियो करने के लिए. दो तीन चीज़ आप दिमाग में रखिए और आपको आपका स्किन टोन के हिसाब से, स्किन कलर के हिसाब से आपको आपका फाउंडेशन मिल जाएगा. सो इफ यू ऑल वांट टू नो देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग. जब भी आप फाउंडेशन खरीदने जाएंगे, सबसे पहला चीज जो आपको दिमाग में रखना है इज योर स्किन टोन. मतलब वी इंडियंस वी बेसिकली हैव येलो स्किन टोन. जब आप अपना फेस मिरर में देखेंगे, यू विल फील आपका जो स्किन टोन होता है ना, वो बेसिकली इंडियंस का तो येलो होता है. 99.5% में येलो होता है. इट्स वेरी रेयर कि किसी का पिंक होता है, बट होता है, ऐसा नहीं होता है. तो आपको देख के, जब भी आप अपना स्किन, अपना फेस मिरर में देखेंगे ना, आप देख के समझ जाएंगे कि येलो अंडरटोन है कि पिंक अंडरटोन है. बट लाइक पीपल फ्रॉम ब्रिटिशर्स, येलो का ना जो स्किन टोन होता है, इट्स बेसिकली टुवर्ड्स पिंक. तो वो लोग ज़्यादातर पिंक अंडरटोन के फाउंडेशन खरीदते हैं. सो जब भी आप फाउंडेशन खरीदने जाएंगे, सबसे पहला चीज़ आप दिमाग में रखेंगे कि आपका स्किन टोन येलो है या मोर टुवर्ड्स पिंक. फिर उस हिसाब से आप अपना फाउंडेशन खरीदेंगे. दूसरा चीज जो आपको दिमाग में रखना है जब भी आप फाउंडेशन खरीदने जाएंगे इज योर स्किन टाइप. आपका स्किन ऑयली है, ड्राई है या नॉर्मल है या कॉम्बिनेशन है. बिकॉज मार्केट में देयर आर वेरियस टाइप ऑफ फाउंडेशंस. लाइक द मोस्ट कॉमन इज लिक्विड फाउंडेशन एंड देन यू हैव क्रीम फाउंडेशन. उसके बाद आपके पास स्टिक फाउंडेशन है, पाउडर फाउंडेशन है. तो लिक्विड फाउंडेशन बेसिकली हर स्किन टोन में जाता है. इट्स गुड फॉर ऑल स्किन टाइप. Oily skin people can also use it, normal skin people can also use it because एक matte dewy finish देता है आपके skin को. Cream foundation is always good for dry skin people because वो थोड़े thick होता है, तो dry skin people can always go for cream foundation. And then you have stick foundation. Stick foundation is good for oily skin people. Dry skin people, आप लोग stick foundation मत use कीजिएगा because then your skin will feel very, you know, cakey. तो स्टिक फाउंडेशन आप मत यूज़ कीजिएगा. एंड देन यू हैव पाउडर फाउंडेशन विच इज़ ऑल्सो गुड फॉर यू नो ऑयली स्किन पीपल. ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन पीपल कैन यूज पाउडर फाउंडेशन. ड्राई स्किन पीपल प्लीज स्टे अवे फ्रॉम पाउडर फाउंडेशन बिकॉज आपके स्किन को वो बिल्कुल सूट नहीं करेगा. सो जब भी आप फाउंडेशन खरीदने जाएंगे, ये चीज़ अपने दिमाग में बिल्कुल रखिएगा. नेक्स्ट चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप फाउंडेशन खरीदने जाइएगा, जो सेल्स गर्ल लोग हैं, जो लोग यू नो स्टोर्स में सेल्स गर्ल होती हैं, वो लोग आपको फाउंडेशन यहाँ पे लगा के दिखाती हैं, फेस पे लगा के नहीं दिखाती हैं. प्लीज़ डोंट ट्रस्ट देम बिकॉज यहाँ पे लगा के आप फाउंडेशन कभी नहीं खरीद पाएंगे. बिकॉज हैंड का ये पार्ट हम लोग के स्किन के हिसाब से बहुत लाइट होता है. जब आप खुद दो या तीन शेड लेके अपने जॉ लाइन के यहाँ लगा के वेट फॉर गुड 5 मिनट्स, उसके बाद आप देखिएगा जो फाउंडेशन आपके स्किन में एग्जैक्ट मैच कर जाता है, आप वही फाउंडेशन लीजिएगा. आप सनलाइट के नीचे भी देख सकते हैं और स्टोर्स में बहुत लाइट होता है, तो आप लाइट में यू नो मिरर में देख के भी आप ले सकते हैं. कोई कोई फाउंडेशन ऐसे होते हैं जो ऑक्सीडाइज करते हैं, तो जो ऑक्सीडाइज करते हैं आप एक या दो शेड लाइटर भी ले सकते हैं. जब आप देखेंगे एक या दो शेड यू नो लाइटर आप लगाएंगे, तो जब आप लगाएंगे तो वो लाइट रहेगा, बट 5 मिनट बाद आप देखेंगे वो आपके स्किन टोन के साथ मिल जाता है. इट्स बिकॉज वो फाउंडेशन ऑक्सीडाइज करता है. तो वो भी एक रीज़न है जब आप फाउंडेशन खरीदेंगे. इसलिए हमेशा आप लगा के अपने जॉ लाइन में 2 से 3 मिनट, 5 मिनट वेट कीजिए. उसके बाद आप देखिएगा जो आपके स्किन को मैच करेगा, आप वही फाउंडेशन उठाइएगा. नेक्स्ट चीज़ जो आपको दिमाग में रखना है, आप बहुत ज़्यादा लाइट शेड मत लीजिएगा फाउंडेशन, क्योंकि सेल्स गर्ल लोग ज़्यादातर लाइट शेड्स ही दे देती हैं. बहुत ज़्यादा लाइट शेड मत लीजिएगा, नहीं तो आपका फेस का स्किन और बॉडी और नेक का स्किन एकदम डिफरेंट लगेगा. ओनली जब आपका फाउंडेशन ऑक्सीडाइज करता है तभी आप लाइट शेड लीजिएगा, अदरवाइज डोंट गो फॉर लाइट शेड फाउंडेशंस. नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान रखना है, आप फाउंडेशन जब भी लगाएंगे, आप 1 से 2 लेयर लगाइएगा, उससे ज़्यादा मत लगाएगा, नहीं तो आपका फेस बहुत ज़्यादा केकी फील करेगा, बहुत थिक लगेगा फाउंडेशन, और यू कैन एक्चुअली फील कि आपके फेस में कुछ लगा हुआ है. तो अगर आपको एक नेचुरल लुक चाहिए तो आप सिर्फ 1 लेयर फाउंडेशन का लगाइएगा अपने फेस पे. नेक्स्ट चीज़ आप दिमाग में रखिएगा, जब भी आप फाउंडेशन लगाएंगे, ऑलवेज रिमूव इट विद द मेकअप रिमूवर. अगर आप मेकअप रिमूवर से रिमूव नहीं करेंगे और डायरेक्टली फेस वॉश कर लेंगे फेस वॉश से, उससे आपको यू नो एक्ने प्रॉब्लम हो जाएगा. बिकॉज मुझे ये हुआ है, व्हेन आई वाज यंग यू नो मैं आई नेवर यूज्ड टू यूज़ मेकअप रिमूवर. मैंने कभी यूज़ नहीं करती थी, और मैं क्या करती थी, पार्टी से आने के बाद मैं अपना फेस वॉश से वॉश करके आई यूज़ टू लीव इट. उससे एक्ने प्रॉब्लम हो जाएगा, ओपन पोर्स की प्रॉब्लम हो जाएंगे, रेडनेस प्रॉब्लम हो जाएंगे. सो उस वजह से मेक श्योर जब भी आप फाउंडेशन लगाएं, आप मेकअप रिमूवर से उसको अच्छे से रिमूव करें.
सो दीज वर सम बेसिक टिप्स जो मैं आप लोग को देना चाहती थी. जब भी आप फाउंडेशन खरीदने जाएंगे, बहुत ही बेसिक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. दो तीन पॉइंट आप दिमाग में रखिएगा और आपको आपके स्किन कलर के हिसाब से फाउंडेशन ज़रूर मिल जाएगा. आई होप अब आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए फाउंडेशन खरीदने में. आई होप द वीडियो वॉज रियली हेल्पफुल. इफ इट वॉज देन अ बिग थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल. यू कैन ऑल्सो शेयर माई वीडियोज विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. आई सी यू गाइज रियली सून. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.